हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, मन लग रहा है घर में? नहीं लग रहा है मन? क्या कीजिएगा, मेरा भी नहीं मन लगता है, पर जो है सो है। चलिए, और कैसा चल रहा है क्लास? कुछ का ठीक, कुछ का ठीक ठाक, और कुछ का नहीं ठीक। ये होता ही रहता है। चलिए, हम लोग कल यही पढ़ रहे थे, याद ही होगा आपको। स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ बातें पहले बता देते हैं, जिससे कि बहुत सारे बच्चे अभी तक या कल तक भी पता नहीं कर पाए थे कि ऑनलाइन क्लास चालू हुआ या नहीं। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, और हमारे लिए भी सबको इन्फॉर्म करना ये मुश्किल है। इसलिए हमने फेसबुक पे डाला था, यूट्यूब पे डाला था, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी बोला था कि यूट्यूब पे आप लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और सेकेंड बात कि इसी रीजन से थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास देने में मुश्किल भी हो रहा था कि जिन बच्चों का छूट जाएगा उनका क्या होगा। और अभी भी बहुत सारे बच्चे का ये बात आता है कि सर मेरा क्लास छूट गया तो हम क्या करें। ये एकदम सही बात है, उनका क्लास छूट गया तो उनको जरूर इस बात का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर मतलब क्या ये बाद में नहीं पढ़ाइएगा। एकदम सिंपल सा बात है, अगर ये बाद में पढ़ाना ही है, अगर मान लिया जाए कि सब बच्चा आया और फिर हम यही पढ़ाने लगे, तो फिर टाइम तो बचा नहीं, टाइम तो सब जैसा था वैसा ही रह गया। इसके लिए हम यही बोल सकते हैं कि जितने भी टॉपिक्स हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे वो सब फिर से हम पढ़ाएंगे, ये बात सही है, पर वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ाएंगे। मतलब वो लास्ट टॉपिक होगा, वो लास्ट टॉपिक होगा। जैसे ऑप्टिक्स हम पढ़ा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, तो अब जब हम ऑनलाइन क्लास के बाद आएंगे ऊपर वाले की दया से, जब भी मिलेंगे, तो हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, और खत्म होने से पहले फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जिन बच्चों का ये कंप्लीट है तो वो अपना सेल्फ स्टडी शुरू कर सकते हैं, उनका समझिए सिलेबस खत्म। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है उनका कंप्लीट हो जाएगा। हमारे हाथ में बस इतना ही है कि हम समय जितना भी हो उसका सदुपयोग कर सकें। हम लोग कितना भी छटपटा लें, अपने अपने हाथ से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं मेरे हाथ में जो है हम करेंगे। चलिए, ये बातें हो गई। और कुछ बातें हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी, तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट ना करें। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे बाहर के भी देखते हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, और खासकर मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो रोज हमसे मिलते थे, कि प्लीज ज्यादा कमेंट नहीं करें और फोकस करें, ध्यान दें कि हाँ क्या पढ़े हैं। एक कमेंट मैक्सिमम, कि जिससे कि लगे कि हाँ आप आए हैं, ठीक है, जस्ट जैसे आप बोलते हैं हाय या गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये एक कमेंट काफी है समझने के लिए। चलिए, और नेक्स्ट बात कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको वीडियो को पब्लिक रहने दीजिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसलिए नहीं रहने देते हैं, बहुत देर रहने भी देते हैं, लेकिन हमेशा इसलिए नहीं रहने देते हैं कि इससे बच्चे के मन में एक चीज हो जाता है कि हाँ जब मन होगा तब देख लेंगे, और ये एक आलस का भावना आ जाता है कि हाँ जब मन होगा तब देख लेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब मन होगा तब देख लेंगे। अगर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिससे आपको क्लास जैसा फीलिंग आए। ये बहुत टफ है कि ऑनलाइन क्लास को क्लासरूम जैसा फीलिंग बनाना, ये बहुत टफ काम है। स्टूडेंट के लिए समझना भी टफ है, टीचर के लिए समझाना भी टफ है। स्टिल जो ट्राई कर रहे हैं उसमें ही ट्राई करना, उसी में अपना हिम्मत दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको समझिए। इसलिए एक टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, ठीक। अभी भी ये क्लास के बाद 2-3 घंटे के लिए सारा सारा वीडियो आपके लिए खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए, और जिसको भी जो देखना है सबके आगे लिखा रहता है, लेक्चर 1, लेक्चर 2,
तो आप पर देखना शुरू कीजिए लेक्चर वन लेक्चर टू, और थोड़ा अगर फॉरवर्ड कर सकते हैं फास्ट कर सकते हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है फास्ट करने का, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और नोट्स बनाएं कंप्लीट बनाएं, जो जो प्रॉब्लम देते हैं उसको भी लिखें, ठीक। चलिए हम लोग कल ये वाला चीज पढ़े थे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर, डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर, ये पहले भी पढ़ चुके थे। ये रे आती है, ये कल का आखिरी टॉपिक था, रे आया मिरर से टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया। क्या दिक्कत हो सकता है इतना सा बात में, आप टॉर्च लिए जलाए मिरर पे टकराया रिफ्लेक्ट हुआ, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, अगर दिक्कत है तो मन का दिक्कत है। गया चल, अब अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये टॉर्च की रोशनी किधर जाती? इधर जाती, ठीक है, लेकिन गई किधर? इधर। तो हो सकता था कि आप निशाना लगा रहे थे यहां और निशाना लगा यहां, तो आपका जो डिफ्लेक्शन हुआ कितना हुआ? यहां से यहां, दैट इज द एंगल, सिंपल। नाउ क्या है ये एंगल कितना होगा? तो हम बोले हुए अगर इंसिडेंट एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये यहां से यहां 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, अभिलंब, ठीक है। ये यहां से यहां 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्लियर। अब सोचिए ये और ये कौन, देखिए ये एक लाइन है, ये ऐसे, ये एंगल इक्वल होता है या नहीं होता है? होता है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, क्लियर। अब ये थीटा है, ये है इंसिडेंस एंगल, तो ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये भी थीटा होगा या नहीं होगा? होगा, तो ये भी थीटा हुआ। अब ये थीटा हुआ जिस तरह से इधर 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी 90 माइनस थीटा। आपको चाहिए कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, तो ये 90 माइनस थीटा हो चुका है, ये 90 माइनस थीटा हो चुका है, तो 2 into 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए, होते तो मेरा एकदम सिंपल सा फंडा रहता है रे ऑप्टिक्स को समझने का, कि इफ यू नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन जानते हैं और आप ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जानते हैं, तो इट मींस आप पूरा रे ऑप्टिक्स जानते हैं। पूरा रे ऑप्टिक्स नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जानते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं तो फिर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जानते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स को बोला भी जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स नथिंग इज अ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स को बोला जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है? फिजिकल ऑप्टिक्स। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल में अलग अलग तरह का वर्ड यूज करते हैं टीचर, और जब बच्चे ऐसे कर देते हैं आ, तो फिर मार्क्स मिलता है कम, फिर बाद में वो रोते हैं। तो हर चीज के पीछे अगर आप अपने आप पे ध्यान देंगे कि हाँ हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, मेरा कितना मेहनत है, तो फिर दुख थोड़ा कम होता है। दुख वर्ड जो है ना वो कम आता है अगर आप अपने आप पे फोकस करते हैं। तो प्रवचन है, प्रवचन आप जानते ही हैं, आदत है मेरा। तो आते हैं ये बात कि अगर आप ज्योमेट्री जानते हैं, तो हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, इसमें ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
हम दिखाते हैं आपको कि ज्योमेट्री में क्या क्या किया जाएगा और किस तरह से इस पर सवाल बनेगा। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेन मिरर्स, ठीक है, समतल दर्पणों का एक मूवी थी, आप लोगों को याद होगी, जरूर देखे होंगे आयो, बाजीराव मस्तानी, याद है? ठीक है, बाजीराव मस्तानी में एक सीन था कि बताता है कि उसका जो दरबार है उस दरबार के बीच में एकदम सेंटर पे जब कोई भी पहुंच जाता था तो उसके घर में दिखाई दे देता था, ऐसा देखे थे? ये सीन है, बहुत जबरदस्त वाला सीन है, और भी बहुत सारी कहानी है, फिर तो मूवी की कहानी हो जाएगी। ठीक, ऐसा पहले के राजा के दरबार में, बहुत बहुत सारे राजा के दरबार में इस तरह का चीज होता था। ठीक है, आज जैसे हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं कि कहीं कोई आया तो पता चल जाए, उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, उस समय यही होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो उसमें भी क्या हुआ होगा, उसमें हुआ होगा कि यहां आया होगा, उस एक मिरर लगाया होगा, उस मिरर से इमेज बन, उस आदमी का इमेज बना होगा मिरर पे, फिर उस मिरर से किसी दूसरे मिरर पे रह गया होगा, फिर उस मिरर से किसी तीसरे मिरर पे रह गया होगा, और इस तरह से करते 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 उसके घर तक पहुंच गया होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको छोटा सा ऐसे बताएं कि मान लिया जाए कि ये एक मिरर है, यहां से समझिए सनलाइट आ रहा है, यहां से सनलाइट जाता तो उधर चला जाता, हमको सनलाइट चाहिए यहां, हमको सनलाइट चाहिए यहां, या हमको सनलाइट चाहिए यहां, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पे मिरर लगा, ये हुआ, अब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ यहां, फिर यहां एक मिरर लगा दिए तो यहां चला गया। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। तो इसका उपयोग है, यहां जो सनलाइट जाने वाला था यहां, ठीक, वो पहुंचा कहां? यहां, तो आपका काम हो गया। अब ये सनलाइट भी हो सकता था, यहां एक आदमी खड़ा है तो उसका उसका रह गया यहां, फिर इससे आया यहां, फिर इससे आया, तो यहां अगर किसी का आंख है, अगर आई होप दिख रहा होगा, यहां अगर किसी का आंख है तो यहां अगर कोई चीज है तो उसको वो दिख जाएगा, जबकि अगर ये दोनों मिरर नहीं रहता तो इस आदमी को ये चीज तो कभी दिख नहीं सकता था। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। आई होप आप समझे होंगे। पढ़ाई का एकदम सिंपल सा मतलब है कि नॉलेज में चेंज आए, जितना ज्यादा से ज्यादा चेंज आ सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, देखते हैं, कुछ चीज याद रख लेना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज समझने लगना, कुछ चीज सोचने लगना। और अब बहुत बच्चे क्या होता है कि समझने सोचने में याद ही रखना भूल जाता है। नहीं, याद रखना है पर समझ समझ के। तो आइए इसमें से एक छोटा सा सवाल बनाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ये मिरर है और एक दूसरा ये मिरर है, दो मिरर है, ठीक है, ये एंगल कुछ है, मान लिया जाए 50 डिग्री, कितना डिग्री? 50 डिग्री, कोई दिक्कत? अब एक रे आता है ऐसे पैरेलल,
कहता है कि ये रे इससे इससे इस मिरर से कितने डिग्री एंगल पर बाहर जाएगा, इस मिरर से, ठीक है। तो ये रे जैसे ही आएगा यहां टकराएगा, आपको एग्जाम में कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कैसा रह सकता है, किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव में, कि इस तरह का एक दे देगा डायग्राम और बोलेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऐसे करके रे बना देगा। चलिए यहां से, अब चूंकि यहां पे टकराया है तो यहां पे एक क्या होना चाहिए, नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल क्यों बनाते हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराने के लिए, दिखाने के लिए। अब यहां से एंगल ज्यादा हो गया, कम हो गया तो थोड़ा और इधर, हाँ ऐसे गया, ठीक है। अब यहां भी नॉर्मल होगा और फिर ऐसे, तो हमको ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। और ये गया कैसे है, पैरेलल, कोई कंफ्यूजन। अब सोचिए ये अगर पैरेलल गया है तो ये कितना डिग्री होगा, ये कंफर्म 50 डिग्री होगा, बताइए, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल है, ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 50 डिग्री, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चलिए अब ये 50 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो ये कितना डिग्री, 50 डिग्री, कोई कंफ्यूजन। तो देखिए ये चूंकि ये और ये पैरेलल है इसलिए ये हुआ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री होने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा अब ये 50 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा, इसका कारण ये है कि ये नॉर्मल है 90 है तो जरूर 50 हो गया, तो बच गया कितना, 40। अच्छा ये 40 है और ये 40 कैसे हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। फिर जब ये 40 हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 50। अब 50 50 कितना हो गया, 100 टोटल कितना होता है, 180 में 100 खत्म हो गया तो ये कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री। देखिए कितना क्या है, सिर्फ जोड़ घटा हो, हाँ या ना, सच सच बोलिए। बस यही है कि आपको पेशेंस रखना है कि हाँ हम ये जो जो और जितना जोड़ घटाव कर रहे हैं सब आप जानते हैं, हम श्योर। चलिए ये 80 डिग्री हो गया, अब ये पूरा 90 था, ये 80 डिग्री थी, ये कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री, ये 10 तो ये भी कितना डिग्री, 10 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री, आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो एग्जैक्टली सिमिलर ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने बना के दिए, इससे इजी क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आप बनाए अपने से, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ये एंगल है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और एक रे आती है पैरेलल, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे फ्रॉम सेकेंड मिरर, ठीक है। तो ये आप जल्दी से सॉल्व करें, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बहुत फास्ट आंसर दिए हैं, चलिए रिसु वेरी गुड, राहुल भी वेरी गुड, आलोक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो गया, समझ गए सब, सही बना दिया, चलिए बहुत अच्छा लगा। ध्यान दीजिए ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री,
ठीक। अब 60 है, यहां एक नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 पे ही आएगा। थोड़ा और इधर, चलिए ठीक है, 30 पर ही आएगा, ये नॉर्मल ही ऐसा, 30 पर ही आएगा ये 30, तो ये भी फिर से 30, तो ये कितना 60, ये 60, तो ये कितना 60, फिर ये नॉर्मल, तो ये 30 और ये भी 30, तो ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। अब ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं। ठीक है, ये 120 डिग्री, दो मिरर है 120 डिग्री पे, क्लियर? ठीक। और एक रे, पैरेलल आएगी तो उधर तो घूमेगी ही नहीं, ऐसे आएगी वर्टिकल। ठीक, तो वो कितना एंगल से निकलेगी? ठीक, सेम क्वेश्चन इसके लिए भी, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग रे फ्रॉम सेकेंड मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख ले। ठीक, चलिए बेटा, दिए। अब देखिए, इसी में एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जैसा क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू मिरर्स सो दैट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू मिरर्स सो दैट इफ अ रे इंसिडेंस ऑन अ मिरर पैरेलल टू अदर then it reflects from second mirror parallel to first। कहता है यदि कोई किरण दूसरे दर्पण के, वही क्वेश्चन है क्योंकि हम सिर्फ लिखा दे रहे हैं, यदि कोई किरण दूसरे दर्पण के समानांतर आपतित होती है और पहले तथा दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद, पहले तथा दूसरे दर्पण से परावर्तन के बाद
पहले दर्पण के समानांतर चली जाती है तो दर्पणों के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका आंसर है 60 डिग्री। जो अभी तुरंत बताए वही चीज है, देख लीजिए। छोटा सा कथा है कि दो दो दर्पण है, दो मिरर है, उसके बीच कितना एंगल हो, मान ले जाइए एंगल बोल दिया कि थीटा, कितना एंगल हो जिससे कि पहले ये फर्स्ट हो, मानिए इसको सेकंड मानिए, इस पे रे आता है फर्स्ट पे पैरेलल टू सेकंड। यदि कोई किरण दूसरे दर्पण के समानांतर आपतित होती है, किसके दूसरे दर्पण और पहले तथा दूसरे दर्पण से, तो पहले और फिर दूसरे से परावर्तन के बाद पहले दर्पण के समानांतर चली जाती है, किसके समानांतर, इसके समानांतर, ऐसे। बात समझ गए? ऐसा है सवाल। और ये तो ये एंगल पता करना है थीटा। चलिए, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये कंफर्म है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये थीटा होगा, अच्छा कहता है कि इसके पैरेलल चला जाता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर? अब सोचिए ये थीटा है, अब कोई भी रे होगा, मान लिया जाए, आप देखिए एक चीज कि ऐसे एक रे आती है, ठीक, और ऐसे जाती है, अगर ये एंगल मान लिया जाए 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40, ये 50 होगा तो ये भी 50, तो ये भी कितना, 40, ठीक है। तो जिस तरह से ये दोनों एंगल बराबर होता है, उसी तरह से ये दोनों एंगल भी बराबर होता है, इसको एंगल ऑफ ग्लेज कहते हैं, एंगल ऑफ ग्लेज, ग्लेजिंग एंगल भी इसको कहते हैं। ये दोनों एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ग्लेजिंग एंगल भी बराबर है, आप इधर से भी देख सकते हैं, ये थीटा 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, थीटा उतना देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना हो गया, थीटा, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप अगर जान गए हैं बनाना तो सब एक ही जैसा है, और नहीं जानते हैं बनाना तो जान जाइए, और कोई उपाय नहीं है, इसको लिख लीजिए प्लीज। चलिए हो गया तो बहुत अच्छी बात। देखिए हम आप लोगों को बहुत समझा रहे हैं, जब हम जैसे क्वेश्चन दिए बनाने के लिए तो उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिए, बहुत खुशी भी हुआ, पर कुछ लोग उलझे हुए हैं बातों में एक दूसरे का। आप समझ लीजिए कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, आप किसी को कितना भी समझाइए वो नहीं मानेगा, या वो जो कर रहा है उसको लगता है वही सही है, पर चूंकि आप मेरे क्लास में हैं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सही यही हो सकता है कि आप मेरी बात माने, इससे ज्यादा सही कुछ बात नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है कि आप सही है, उससे भी ज्यादा सही यही है कि चूंकि आप मेरे क्लास में हैं तो मेरा ही बात माने, नहीं परेशान हो ज्यादा बात नहीं करें,
बाकी आपकी मर्जी। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात किया जाए कि कितना चीज बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी सब बता चुके हैं, फिर भी कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे कि दो मिरर अगर एक साथ रहेगा उससे नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट गति करेगा, तो इमेज कैसे, प्रतिबिंब कैसे गति करेगा ये। और फिर कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कुछ जो इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उसको ऑप्टिक्स में वेक्टर डाला गया है, 3D डाला गया है, तो वो सब भी होगा, तो किसी समय 15 मिनट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड ड्यू टू, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू टू प्लेन मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ड्यू टू टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर्स से कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकता है। सब कुछ अलग अलग एंगल पे होगा, मिरर अलग अलग एंगल पे होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी अलग अलग होगा। तो जैसा कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला बताना बहुत ही आसान है, समझाना भी आसान है, और हम बता भी देंगे, समझा भी देंगे, नो डाउट। बट हम एक बार इमेज बनाना आपको सिखा देते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो पर आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इधर देखिए, जैसे कि ये दो मिरर है और दोनों एक दूसरे पे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब अगर एकदम बीचों बीच यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो इसका कितना इमेज बनेगा, इसका कितना इमेज बनेगा, ये बात समझना है, देखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। इससे कितने रे निकलेंगे, कितने, इनफाइनाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे रे इस दोनों मिरर पे टकराएंगे और बाकी सारे रे बहुत जो उधर गए वो नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो इस पे कितना इमेज फॉर्म हो सकता है, इमेज कब फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है अगर एक इस मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, कोई रे इस मिरर से टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसके चलते इमेज बन सकता है, इसके चलते भी इमेज बन सकता है, और तो दो इमेज तो बन सकता है इसके चलते और इसके चलते, और कुछ बन सकता है क्या, हाँ और भी बन सकता है, वही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर देखिए इससे एक रे ऐसे निकाले तो टकरा के सीधा वापस, कोई दिक्कत, सीधा वापस, ठीक है, और अगर ये यहां से एक रे इधर गया, ऐसे, तो वो भी इस तरह से चला जाएगा। ठीक, अब अगर दोनों को पीछे करें तो यहां कहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड I1, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के चलते
एक इमेज बनाइए, क्या कहेंगे इसको, आई वन। कैसे बना, इससे दो रे निकाले, दो रे दिखाए, एक्चुअली निकला भी इंफिनिटी और हमारे हाथ में निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो निकलना है इससे निकलेगा। और रहा बात कि हम दिखाए कितना, हम दिखाए दो, हम दिखाए कितना, दो, ठीक है। अब उसी तरह इससे भी, इस मिरर पे इससे तो बहुत सारा निकल रहा है, तो हम दिखा रहे हैं एक और ऐसे, और वही टकरा के जब वापस जाएगा तो इसी पे वापस चला गया, ठीक। अब ये चला गया, इससे और भी एक रे निकला ऐसे, और ये भी टकरा करके, ठीक है। अब इसको पीछे कीजिए, इसको पीछे कीजिए, तो यहां एक इमेज बनेगा जिसको हम कहेंगे आई टू, जिसको हम क्या कहेंगे, आई टू। तो ये हुआ आई वन और ये हुआ आई टू, दो इमेज बन चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं इसको दो मिनट के लिए देखिए, ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं है। देखिए यहां एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब जो जो बच्चे ध्यान से नहीं करेंगे, सुनेंगे और क्या कहते हैं, ध्यान नहीं देंगे, जैसे ज्यादा बोलेंगे या इधर उधर की बातें, तो उन सबका अब हम नाम बोलेंगे इसमें, तो सब लोग समझ जाएगा कि कितना होशियार है। हा हा आइडिया बढ़िया है या नहीं, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इससे दो रे निकाले, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर के चलते यहां बना, ठीक है, एक रे ऐसे वापस, ऐसे वापस। सोचिए ये कुछ रे, कुछ ऑब्जेक्ट है जिससे बहुत सारा रे निकल रहा है, तो कुछ रे इधर गया, गया गया, एक इमेज यहां बना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, डैश 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 आपको बोल रहे हैं, ठीक है, जिसने बोला है। बहुत लोग का कहना था कि नहीं मत कीजिए रिपीट, और कुछ लोगों का है कहना, ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम बोलेंगे। नेक्स्ट, फिर उसी तरह इससे भी रे निकला, दो रे, अगर आपसे पहला दूसरा तीसरा क्लास छूटा हुआ है तो आप देख लें, और इसका भी वापस गया, इसका भी वापस गया, इससे एक इमेज यहां फॉर्म हुआ। तो इतना बात तो बहुत ईजी था, इसको समझने में कहीं टफ नहीं होना चाहिए। अगर ये तो सिंपल, एक मिरर से इमेज बनाए, दूसरे मिरर से इमेज बनाए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मेन तो बात अब आने वाला है, अब क्या इससे रे इधर ही सिर्फ निकलेगा, इधर नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा, जरूर निकलेगा। जो इधर निकला वो तो अब चला गया, वो अब कहीं टकराने वाला नहीं है, और जो इधर भी गया वो भी चला गया, वो भी अब इधर कहीं टकराने वाला नहीं है। लेकिन जो रे, सोचिए अगर कोई रे ऐसे आया है, ठीक है, ऐसे, तो वो रे क्या होगा, वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद तो फिर इस मिरर से टकरा जाएगा या नहीं टकरा जाएगा? हाँ या नहीं, पक्का टकराएगा, क्योंकि देखिए ये अगर जाएगा ऐसे तो ये तो टकरा गया इस मिरर से, ठीक है। तो ये दो इमेज जो है वो सिंगल रिफ्लेक्शन के कारण है, किसके कारण है, सिंगल रिफ्लेक्शन, फिर से बोलिए किसके कारण है, सिंगल रिफ्लेक्शन, आई वन और आई टू जो है वो सिंगल रिफ्लेक्शन के कारण है, क्योंकि टक टैं टक टैं फिर खत्म। लेकिन अब जो बनने वाला है वो डबल रिफ्लेक्शन के कारण, टक 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 टक, तब होगा टैं, तो चलिए उसको कर देते हैं टेन,
अब किससे गया ऐसे, ठीक। अब इसको हम पीछे करें, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि इसके चल इसके वाला जो पीछे करेंगे ना दोस्त, तो वो तो इसी से आके मिल जाएगा, बस समझे। क्योंकि कि इस ऑब्जेक्ट का सिंगल इस मिरर के चलते यही इमेज बनेगा, चाहे रे कोई भी ले ले। लेकिन अब जो ये टक टक हुआ है, इसका तो पीछे कहीं और आएगा, ठीक है। उसी तरह इससे भी जो निकलेगा, जो इधर की ओर आएगा, वो अब किधर जाके टकराएगा, फिर इधर, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। और अब इधर से टकराने के बाद ये किधर जाएगा, इससे। ये जो भी चीज आपको बता रहे हैं ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई आदमी समझाए तो समझाए, किसी बुक में ये रे डायग्राम नहीं मिलता है, ना बच्चे को समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारा लाइन खींचा हुआ रहेगा तो क्या समझ में आएगा। तो चलिए इस बार क्या हुआ, टक टक, फिर ऐसे। अब इसको जब आप पीछे कीजिएगा, तब यहां पे एक इमेज फॉर्म हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, I3। क्या कहेंगे, I3। तो अगर एग्जैक्ट सही सही बना रहेगा ना आपका रे डायग्राम, तो आप देखिए ये एक रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा चारों चीज मिला करके, बहुत ही बेहतरीन बात है ये, ठीक है। तो चारों चीज मिला के रेक्टेंगल हो जाता है, एक आयत बन जाता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सब बातें हैं जो थोड़ी सी हाई लेवल है, कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये चारों से एक सर्कल बनाइएगा तो उस सर्कल का सेंटर यहाँ आएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज्यादा बताने के बाद फिर ज्यादा परेशानी शुरू हो जाती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कम बताया जाए। तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल मिला के कितना इमेज बना, तीन इमेज। इस ऑब्जेक्ट का टोटल मिला के कितना इमेज बना, तीन इमेज, जिसमें कि I1 और I2 बना सिंगल रिफ्लेक्शन के कारण, और I3 बना डबल रिफ्लेक्शन के कारण। I1 और I2 वाला जो बना है उसका बाहर चला गया है, और I3 जो रे अंदर आया वो फिर एक मिरर से टकराने के बाद फिर से दूसरे मिरर से टकरा गया, इसके चलते एक और इमेज बन गया। तो देयर आर थ्री इमेजेज, जब कितना डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, कितना डिग्री पे हो, 90। तो ये टोटल मिला के देखिए कितना डिग्री हो, टोटल होता है अगर यहां सेंटर मान लिया जाए तो 360, कितना हुआ 360, एक सर्कल बनाइए तो 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री में तीन ठो इमेज है, 1 2 3, तीन इमेज है और एक ऑब्जेक्ट है। तो 360 और ये कितना डिग्री है, 90। तो 360 बटे 90 अगर करें, 360/90 अगर करें, तो आंसर कितना आता है, 4। उस 4 में से एक चीज ऑब्जेक्ट है, बाकी 3 चीज क्या है, इमेज। तो उस 4 में से एक चीज घटा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट घटा देंगे, इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस का एक फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ इमेजेस का n इक्वल टू आया 360 बाय, ये अगर एंगल थीटा मानिए तो थीटा माइनस 1। पर इसमें देयर आर मेनी कंडीशंस, देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन है इसमें, इसमें कुछ कुछ कंडीशन है, लेकिन अभी हम कंडीशन नहीं बता रहे, अभी आप इसको समझ लें। आप सिर्फ इतना अभी याद रख लें कि 360 माइनस थीटा, 360 बाय थीटा माइनस 1, कितना 360 बाय थीटा माइनस 1। और हम अभी भी स्टार मार्क दे के बोले हैं कि देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज जो मेरा बताने का पर्पस था कि ये आपको एग्जैक्टली समझ में आए। बहुत बच्चे से आप किसी भी बच्चे से ट्राई करके पूछें, देखें,
तो वही हो सकता है ये फॉर्मूला याद रखा हुआ हो पर ये रे डायग्राम नहीं जानता हो। अगर आप ये रे डायग्राम जानते हैं तो आप उन बच्चों से थोड़ा तो जरूर सुपीरियर हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसको आज आप लिख लें। ये बहुत ही थोड़ा टफ होगा बनाना आपका, लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर ध्यान रखिएगा, सीधी लाइन खींचिए, ये एंगल बराबर कीजिए, फिर उस तरह से ऐसे कीजिए, तो ये बच जाएगा। इसीलिए हम दो पेन का उपयोग किए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल बाकी इसके कंडीशंस बताएंगे और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएंगे, इमेज बताएंगे। ठीक है, चलिए। आई होप आपको समझ में आता होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अभी एट प्रेजेंट से अगले दो घंटे तक हम पिछले सारे वीडियोस जितने भी हैं वो सब आपके लिए पब्लिक करेंगे। आप देख लीजिए, एक तरफ से देखिए, कुछ चीजें अगर पीछे का छूटेगा तो आपको मेरे क्लास में समझने में दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा चीज पीछे का लेते जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।